एक्चुअल साइंस में आज अपन बात करेंगे ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस मृदा कार्बन पदार्थ का एक अंश है जो उसके सड़ने गलने पर मृदा में रह जाता है। कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो मृदा में रह जाता है या रह जाता है वह मृदा कार्बनिक पदार्थ कहलाता है। इस प्रकार ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है, परंतु समस्त कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस नहीं हो सकते हैं, ये एकदम भी सत्य है। तो ह्यूमस क्या होता है? जो मृदा के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन या कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनके जो सड़ने गलने के उपरांत जो अवशेष बचते हैं या अवशेष के रूप में जो अंश रह जाता है उसे क्या कहते हैं अपन? ह्यूमस कहते हैं। तो सारे जो कार्बनिक पदार्थ है वो क्या है? ह्यूमस नहीं हो सकते, या ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है लेकिन कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस नहीं हो सकते, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने के बाद जो पदार्थ का निर्माण होता है वो क्या होता है? ह्यूमस होता है। इस प्रकार ह्यूमस क्या है? तो जटिल यौगिकों का एक मिश्रण है, एक अकेला पदार्थ नहीं है। ये दो यौगिकों में से एक होते हैं, जिसमें फर्स्ट है प्रतिरोधी पदार्थ जो कि केवल मूल पादप घटकों से रूपांतरित होते हैं, यानी दो यौगिक के दोनों यौगिकों में से एक होता है। जैसे जैसे मूल पादप घटकों से रूपांतरित होता है, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियों कार्बनिक पदार्थ जो भी होता है उनके द्वारा जो पदार्थ का निर्माण होता है, जो यौगिक बनता है उसको, और दूसरा है सूक्ष्म जीवों के ऊतकों में संश्लेषित यौगिक जो कि जीवों के मरने पर मृदा में रह जाते हैं। यानी जो सूक्ष्म जीव है तो उनके जो ऊतकों के अंदर जो यौगिकों का निर्माण या संश्लेषण होता है वो जीवों के मरने के बाद मृदा में रह जाते हैं। इन दो कारकों के अनुसार ह्यूमस को इस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, यानी ह्यूमस बादामी या गहरे बादामी रंग के अनेक अक्रिस्टलीय कोलाइडी पदार्थों का एक संकीर्ण एवं रोधक मिश्रण है जो मूल ऊतकों से रूपांतरित या विभिन्न मृदा जीवों द्वारा संश्लेषित होते हैं। यानी ह्यूमस क्या होता है? उसका कलर किस होता है? बादामी या गहरा बादामी। और अक्रिस्टलीय कोलाइडी मतलब क्रिस्टल नहीं होता है, और कोलाइडी पदार्थों का एक संकीर्ण और रोधक मिश्रण होता है। कोलाइडी मतलब बहुत ज़्यादा जो पार्टिकल्स होते हैं ह्यूमस के वो बिल्कुल छोटे छोटे बारीक होते हैं। कोलाइड्स के रूप में अगर ह्यूमस को जल में या किसी पदार्थ में घोलते हैं तो जो उनके जो कोलाइडी जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? तैरते रहते हैं, यानी इतने छोटे होते हैं कि वो तैरते रहते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? कोलाइडी पदार्थ। तो जो मूल ऊतकों से रूपांतरित यानी जो पदार्थ था या कोई ऑर्गेनिक मैटर का या कोई प्लांट का पार्ट था उनसे रूपांतरित होने के बाद यानी उनका अपघटन होने के बाद जो पदार्थ का निर्माण होता है वो क्या होता है? ह्यूमस होता है। अब आता है करेक्टर्स ऑफ ह्यूमस, यानी करेक्टर्स क्या होते हैं, ह्यूमस के गुण क्या होते हैं। भौतिक गुण के अंदर क्या होता है? ह्यूमस बेरवेदार यानी एमोरफस होता है, रवेदार नहीं होता है। इसकी सुगठितता एवं सहसंजन कम होता है। इसका यह लाभ है कि ये भारी मृदाओं में प्रतिकूल संरचनात्मक गुणों को कम करते हैं। यह गहरे रंग का एक बहुत ही जटिल पदार्थ है। इसका घनत्व 1.3 तथा 1.5 ग्राम घन सेंटीमीटर के बीच होता है, यानी इसका घनत्व तो जो होता है वो क्या होता है? 1.3 से 1.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच होता है। ये कले की तरह कोलाइडी होता है। कले पार्टिकल्स, कले के अंदर क्या होता है? पार्टिकल बिल्कुल बारीक होते हैं, यानी 0.002 जो साइज होता है उसके आधार पर इसके भी जो पार्टिकल्स हैं या कोलाइड्स हैं कले की तरह होते हैं। ह्यूमस पर ऋणात्मक आवेश होता है, यानी ह्यूमस के ऊपर ऋणायन यानी माइनस होता है जो कि प्लस वाले यानी धनायनों को आकर्षित करता है। यह अम्लीय होता है। यह जल में अविलीय होता है, परंतु शुद्ध जल में यह कोलाइडी बनाता है, यानी जल में अविलीय लेकिन परंतु शुद्ध जल में जो होता है उसके अंदर क्या होगा? कोलाइडी बनाता है। कोलाइड्स जो निर्माण होता है उनके द्वारा क्या होता है? जल में यह कोलाइडी के रूप में विलयन बनाता है। मंद अम्लों एवं तथा क्षारों में के विलयनों में विलय होता है। मंद अम्ल कौन से होंगे?
जिनमें अम्लता कम होती है तथा क्षारीय पदार्थ है उनके अंदर यह आसानी से विलय हो जाता है यानी घुल जाता है। ह्यूमस में अधिशोषण शक्ति एवं उत्प्रेरक गुण अधिक होते हैं यानी ह्यूमस क्या करता है अधिशोषण एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी होती है वो अधिक होती है और उत्प्रेरक गुण अधिक होते हैं। उत्प्रेरक मतलब कोई भी पदार्थ है उसको जो अभिक्रिया अभिक्रिया को बढ़ा देता है यानी जो भी कोई पदार्थ है जैसे कोई पोषक तत्व है उसकी उपलब्धता को बढ़ा देता है उस तरीके से यह कार्य करता है। यह संतृप्त वायुमंडल से अपने भार का लगभग 2 से 6 गुना जल शोषित करता है इसलिए यह जलग्राही होता है। यानी जो संतृप्त यानी वायुमंडल के अंदर अगर नमी अधिक होती है तो वो क्या करता है अपने बाहर का ह्यूमस क्या करता है अपने बाहर का 2 से 6 गुना जल अवशोषित यानी शोषित कर लेता है इसलिए इसे जलग्राही कहते हैं। यानी जिस भूमि के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की अधिकता होगी तो उसी ह्यूमस का निर्माण होगा और जो भूमि है उसकी जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। तो क्यों वो क्यों बढ़ती है क्योंकि उसके अंदर ह्यूमस का निर्माण हो गया और ह्यूमस क्या होता है जलग्राही होता है तो वो अपने अंदर जल की मात्रा को संग्रहित करने की क्षमता रखता है इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है यानी इसके अंदर जल को धारण करने की क्षमता जो होती है वो अधिक होती है। पानी शोषित करके इसमें फूलने तथा सिकुड़ने का गुण भी पाया जाता है। इसके अंदर ह्यूमस के अंदर क्या होता है पानी को शोषित करेगा तो फूल जाएगा और जैसे ही पानी निकलेगा वैसे ही सिकुड़ जाएगा यह इसका गुण हो गया। फिर आता है इसका रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी जो ह्यूमस तो इसमें क्या है ह्यूमस में कार्बन कितने प्रतिशत होता है 55 से 60%, हाइड्रोजन 4 से 5%, ऑक्सीजन 35 से 40%, और नाइट्रोजन 3 से 6% तक होता है। खनिज पदार्थ जैसे सल्फर फॉस्फोरस आयरन मैंगनीज पोटेशियम आदि की विभिन्न मात्राएं होती है यानी ह्यूमस का जो संकरण होता है केमिकल संकरण होता है उसके अंदर क्या होता है 55 से 60% कार्बनिक पदार्थ, हाइड्रोजन 4 से 5, ऑक्सीजन 35 से 40% और नाइट्रोजन 3 से 6% तक पाई जाती है। जैसे जैसे भूमि के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है नाइट्रोजन की भी मात्रा बढ़ती है। जैसे जैसे ऑर्गेनिक कार्बन यानी भूमि के अंदर कम होता है ऑर्गेनिक मैटर कम डालते हैं अपन ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा जब कम होती है तो उसके अंदर क्या होता है नाइट्रोजन की मात्रा भी कम होती है और ऑर्गेनिक कार्बन अगर भूमि के अंदर मात्रा उचित मात्रा में होता है तो सभी जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा भी समान रूप से उपलब्ध अवस्था में रहती है क्योंकि जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है जब उसका ह्यूमस का निर्माण होता है तो वो क्या करता है जल धारण क्षमता भी होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है और उनको रोके रखने की भी क्षमता होती है। क्योंकि जब ऑर्गेनिक कार्बन नहीं होता है तब भूमि के अंदर जो पोषक तत्व तो होते हैं वे या तो फिक्स हो जाते हैं या लीचिंग के रूप में नीचे चले जाते हैं लीचिंग के द्वारा उस जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाते हैं नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं। इसी प्रकार इसमें CN जो अनुपात है वो क्या है 10:1 होता है यानी पूर्ण रूप से जो अपघटित पदार्थ जो ऑर्गेनिक मैटर पूर्ण रूप से अपघटित हो जाता है तो उसका अनुपात क्या हो जाता है 10:1 यानी 10 भाग जो कार्बन हो गया और 1 भाग उसमें नाइट्रोजन होता है। इसकी ग्रहण विनिमय क्षमता यानी कैटायन एक्सचेंज जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है 150 से 300 सेंटीमोल पर kg ह्यूमस होती है। अब इसके अंदर कौन कौन से जो ग्रुप होते हैं वो कार्बोक्सिल और फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होते हैं वो ह्यूमस को अम्लीय गुण देते हैं जिसे ह्यूमस भास्मिक आयन से क्रिया करके लवण बनाता है यानी भस्म यानी जो राख होती है ह्यूमस की जो राख होती है वो आयन से क्रिया करके लवणों का निर्माण करती है। ह्यूमस गतिशील दशा में होता है यानी यह गति भी करता है क्योंकि यह पादप तथा जंतुओं के अवशेषों से निरंतर बनता रहता है और साथ ही सूक्ष्म जीवों द्वारा इसके विच्छेदन से CO2 और अमोनिया और दूसरे सरल पदार्थ बनते हैं यानी
जब ऑर्गेनिक मैटर होता है या जो फसलों के और जंतुओं के अवशेष जो होती है वो क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित होती है, यानी उनका डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन जब होता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जल निकलता है, अमोनिया का निर्माण होता है और दूसरे सल्फर पदार्थ भी बनते रहती हैं। ये ह्यूमस की गतिशील दशा को भी में भी होता है। इस प्रकार जब ऑर्गेनिक मैटर अपन भूमि के अंदर डालते हैं तब जब उसका विघटन होता है तो CO2 की मात्रा बढ़ जाती है और हाइड्रोजन की भी रिलीज होता है जो अभिक्रिया होती है अपघटन की, उसमें फिर अमोनिया का निर्माण भी होता है। उसी प्रकार अधिक धनायन विनिमय क्षमता होने से इसकी प्रतिरोध क्षमता यानी बफरिंग कैपेसिटी जो होती है वो अधिक होती है, यानी जैसे जैसे भूमि के अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे भूमि जो होती है वो क्या हो जाती है, उसमें बफरिंग कैपेसिटी हो जाती है। बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है, बफरिंग कैपेसिटी वो क्षमता होती है, प्रतिरोध क्षमता होती है जिसके अंदर क्या होता है अम्ल और क्षार, अगर भूमि के अंदर अम्लीय पदार्थ डालते हैं तो उसकी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जैसे बेस या क्षार डालते हैं तो उनके द्वारा भी भूमि क्षारीय नहीं होती है। तो ये क्या हो गया, बफरिंग कैपेसिटी होती है जो सोइल की वो होती है, तो वो किसके कारण अधिक होती है, वो ह्यूमस के कारण अत्यधिक होती है। इसमें विभिन्न कार्बन कार्बनिक अवयव होते हैं, जैसे कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है, यानी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके अंदर विलेय होता है, ह्यूमिक अम्ल एसिड ठंडे क्षारों में विलेय होता है, और पोलियोरोनाइट्स लिग्नी इत्यादि। फिर आता है हाइड्रोजन परोक्साइड से ह्यूमस का पूर्ण ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है, परंतु एसिटिल ब्रोमाइड से इसका ऑक्सीकरण पूर्ण नहीं हो पाता है। हाइड्रोजन परोक्साइड यानी H2O2 के अंदर क्या होता है, ह्यूमस पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण कर लेता है। फिर आता है ह्यूमस का निर्माण, जेनेसिस ऑफ ह्यूमस। तो ह्यूमस एक जटिल पदार्थ है, इसका निर्माण भी बहुत ही जटिल जीव रासायनिक प्रक्रमों से होता है। ह्यूमस क्या हो गया, जटिल पदार्थ हो गया। अब जटिल पदार्थ कैसे हुआ, जैसे पादप है, जंतु है, सूक्ष्म जीव है, इनके अपघटन के बाद जो निर्माण होता है, तो जब इनका अपघटन होता है तो बॉडी के अंदर, जैसे प्लांट की बॉडी के अंदर लिग्निन है, सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज है, प्रोटीन स्टार्च है, विटामिन है, इसी प्रकार जंतुओं के अंदर भी जो भी पोषक तत्व या जो तत्व पाए जाते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनका जब विघटन होता है तो एक जटिल पदार्थ का निर्माण होता है, तो वो क्या होता है, ह्यूमस होता है। इसका निर्माण भी बहुत ही जटिल जीव रासायनिक प्रक्रमों से होता है, यानी सूक्ष्म जीवों की जो केमिकल्स क्रियाएं होती है उनके द्वारा इसका निर्माण होता है। यह मृदा कार्बनिक पदार्थ के बहुत अधिक विच्छेदन होने पर बनता है। यह मृदा कार्बनिक पदार्थों के बहुत अधिक विच्छेदन होने पर बनता है, यानी जो कार्बनिक पदार्थ है उनका जब अपघटन होता है तो बहुत ज्यादा अपघटन होता है, जैसे 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 उनके जो तत्व टूटते हैं या जो पदार्थ टूटते हैं, विघटन होता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा या रासायनिक विधियों के द्वारा, तब जाके इसका निर्माण होता है। इसके निर्माण में कई पदों में बांटा जा सकता है, यानी कई भागों में बांटा जा सकता है। लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ लिग्नोप्रोटीनेट। अब ये क्या हो गया, ह्यूमस निर्माण की जो प्रक्रिया होती है या जो निर्माण में भाग लेते हैं उनके विवरण दिया जा रहा है। इसके अंदर क्या हो गया, पहला हो गया फॉर्मेशन ऑफ लिग्नो प्रोटीन। तो कार्बनिक पदार्थ में ह्यूमस बनते समय सरल शर्कराएं यानी जल्दी से टूटने वाले जो शर्कराएं होती है या सरल होती है, जिनका पॉली और मोनो के रूप में नहीं हो जाती है, यानी उनका कोई संघ नहीं होता है, सरल रूप में होती है शर्कराएं। स्टार्च है, हेमी सेल्यूलोज है, और सेल्यूलोज के विच्छेदन से बने पदार्थ धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं, और इनके साथ साथ तेल, वसा, रेजिन और लिग्निन से जो विच्छेदन में कुछ रुकावट डालते हैं, यानी जो तेल, वसा और रेजिन लिग्निन जो होती हैं वो क्या करती हैं, अपघटन में रुकावट डालती हैं, क्योंकि इनका अपघटन धीरे धीरे होता है, क्योंकि ये इनका जो संघटन होता है वो बहुत ही जटिल प्रकार का होता है। अब अपरिवर्तित
लिग्निन और दूसरे रोधी रेजिस्टेंट नाइट्रोजन पदार्थ आपस में सहयोग करते हैं, इससे एक अनिश्चित जटिल पदार्थ बन जाता है जिसे लिग्नोप्रोटीनेट कहा जा सकता है, क्योंकि यह लिग्निन और प्रोटीन से संश्लेषित होता है। इन दोनों पदार्थों से मिलकर लिग्नोप्रोटीनेट कैसे बनता है? यह संश्लेषण सूक्ष्म जीवों द्वारा हुआ है या सीधी रासायनिक क्रियाओं से या दोनों से, ठीक प्रकार से जानकारी नहीं है। यानी जो लिग्नोप्रोटीन्स का निर्माण होता है, प्रोटीनेट्स का निर्माण होता है, तो वो किसके किसके द्वारा होता है? जैसे पौधों से प्राप्त शर्करा है, स्टार्च हो गया, हेमिसेल्यूलोज सेल्यूलोज हो गया, और ये जो रेजिन्स लिग्निन्स है, तेल है, वसा, इनके सभी के जो अपघटनशील जो पदार्थ का निर्माण होता है वो क्या होता है? लिग्नोप्रोटीनेट्स होता है, जिसके अंदर क्या होता है? एक अनिश्चित जटिल पदार्थ बनता है, क्योंकि यह लिग्निन और प्रोटीन से संश्लेषित होता है। फिर उसके बाद आता है दूसरा, रोधी अणुजीव ऊतक का निर्माण, यानी फॉर्मेशन ऑफ रेजिस्टेंट माइक्रोबियल टिश्यूज। तो शर्करा पदार्थ तथा स्टार्च, सरल प्रोटीन व एमिनो अम्ल आदि का विच्छेदन सूक्ष्म जीवों द्वारा शीघ्र हो जाता है, यानी इनका जब विघटन होता है या तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं? शीघ्रता से इनको विघटित कर देते हैं। इनसे जो ऊर्जा निकलती है और अमोनिया लवण बनते हैं, उनके सूक्ष्म जीव अपना अणु जीव उत्तक बनाते हैं। यानी जो ये पदार्थ है इनका जब विघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं इनसे भोजन प्राप्त करते हैं, और भोजन प्राप्त करेंगे तो उनके शरीर के भी ग्रोथ होगी, तो शरीर के अंदर इनका क्या होता है? उत्तक बनती है। तो कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन में जीवाणु पोलियो पोलियोरोनाइड्स नामक यौगिक का भी संश्लेषण करते हैं, यानी ये जो अणु है ये सूक्ष्म जीवों के शरीर में बनते हैं, यानी पोलियोरोनाइड्स ये यौगिक शरीर में उनके संश्लेषित होते हैं। ये यौगिक अणु जीव उत्तक के साथ मिलकर उनका अंग बन जाते हैं। सूक्ष्म जीवों के मरने पर इनका शीघ्रता से विच्छेदन नहीं होता है और अंत में मृदा में इकट्ठे होने लगते हैं। यानी जो सूक्ष्म जीवों के शरीर के अंदर जो निर्माण हुआ था, जो यौगिक बने थे सूक्ष्म जीवों के शरीर में, जो यौगिक बने थे उनका क्या होता है? सरलता से या शीघ्रता से विच्छेदन नहीं होता, अपघटन नहीं हो पाता है और मृदा में इकट्ठे होते रहते हैं। तो ये क्या हो गया? अणुजीव ऊतक का निर्माण हो जाता है, रोधी यानी रेजिस्टेंट, तो इनका विघटन नहीं होगा, तो ये भी ह्यूमस का निर्माण में इस प्रकार से प्रतिरोध पैदा करते हैं। तीसरा आता है उसमें प्रोटीन कले संयोजन, यानी प्रोटीन कले कॉम्बिनेशन। तो कले एक अम्लीय लवण है, कले एक अम्लीय लवण होता है, इसमें अम्लीय अणु पाए जाते हैं, इसलिए कले में प्रोटीन का अधिशोषण हो सकता है। अंत में ऊपर बताए गए सभी पदार्थों के अंतः मिश्रण से ह्यूमस का निर्माण होता है, यानी ये तीन प्रकार हैं, इनके द्वारा ह्यूमस का निर्माण होता है। इसलिए यह संभव है कि इन पदार्थों के अनुसार भिन्न भिन्न पदार्थों में किस प्रकार ह्यूमस पाया जाता है। तो जीवांश पदार्थों में ह्यूमस का निर्माण निम्न चित्र से प्रदर्शित किया गया है। तो प्लांट मटेरियल हो गया, प्लांट मटेरियल्स के अंदर क्या होता है? सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, स्टार्च, शुगर, ऑयल, फैट्स, ये क्या इनका निर्माण किसमें होता है? प्लांट्स मटेरियल के अंदर होता है, यानी जो पद पदार्थ होते हैं उनके अंदर क्या क्या होता है? ये उनका संगठन हो गया, जैसे सेल्यूलोज हेमिसेल्यूलोज हो गए। तो जब इनके ऊपर अटैक बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब इनके ऊपर सूक्ष्म जीवों का अटैक होता है, यानी अपघटन का कार्य शुरू होता है, तो इनसे क्या होता है? CO2 और H2O निकलता है, और इंटरमीडिएटली सब्सटेंस जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स और एल्कोहल्स का निर्माण होता है, और फिर इनका इनसे क्या होता है? CO2 और H2O वापस निकलते रहते हैं। जब सूक्ष्म जीवों का अटैक होता है तब अब प्लांट मटेरियल्स के अंदर क्या होता है? प्रोटीन्स, एमिनो एसिड और एमाइड्स जो होते हैं, लिग्निन्स जो होते हैं, और अनडिकम्पोज रेजिड्यूज जो भूमि के अंदर होते हैं, तो इनका जो प्रोटीन्स है इनका डिकम्पोजिशन किसके द्वारा होता है? सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, और अमोनियम का निर्माण करते हैं और नाइट्रेट का
निर्माण करते हैं। तो माइक्रोबियल सेल्स सब्सटेंस का निर्माण भी होता है। तो इनमें क्या होता है, फैट, वैक्स और हेमीसेल्यूलोज और प्रोटीन्स का निर्माण भी होता है। फिर इनका क्या होता है, फैट और वैक्स हेमीसेल्यूलोज थे, ये हिबिस का भाग का निर्माण करते हैं। अब लिग्निन है जो क्या होता है, ह्यूमस न्यूक्लियस के रूप में इनका विघटन होता है और इनके द्वारा फिर ह्यूमस का निर्माण होता है। फिर आता है सोइल के अंदर, सोइल के अंदर सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स होती हैं, बेस होते हैं, इनका फिर सूक्ष्म जीवों की सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन होकर ह्यूमस का निर्माण होता है। तो जीवांश पदार्थ से ह्यूमस का निर्माण इस प्रकार से होता रहता है। फिर आता है ह्यूमस का संघटन, कंपोजिशन ऑफ ह्यूमस, कंपोजिशन ऑफ ह्यूमस। यह गहरे रंग का एक जटिल एवं गतिशील पदार्थ है जिससे पौधों एवं जंतुओं के अवशेष पदार्थ, सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं से संश्लेषित पदार्थ होते हैं। यानी जब इनका विघटन होता है, अवशेष पदार्थ जो होते हैं पशुओं के, पौधों के, तो उनके द्वारा सूक्ष्म जीवों के कोशिकाओं में संश्लेषित होता है और मृदा में सदैव परिवर्तनीय होता है। इसका लगभग संघटन इस प्रकार है, लिग्निन के समान यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, 55% तक होते हैं। एमिनो अम्ल कितने होते हैं, 35% और कार्बोहाइड्रेट 15%, हेमीसेल्यूलोज 7%, वसा, मोम, रेजिन्स ये क्या हो गए, 3%, तथा अन्य पदार्थ 6% होते हैं। यानी इन सभी से मिलकर ह्यूमस का निर्माण होता है। तो अब ये क्या हो गया, जटिल जटिल पदार्थ हो गया ह्यूमस, इनके कारण, इनके कारण। तो इसके बाद एक खनिज पदार्थ में ह्यूमस का तात्विक संघटन भारात्मक दृष्टि से निम्न प्रकार होता है। यानी खनिज जो मृदा के अंदर है, ह्यूमस का तात्विक संघटन बाहर के अनुसार इस प्रकार होता है। यानी कार्बनिक पदार्थ 52 से 60% होता है, ऑक्सीजन 20 से 38%, हाइड्रोजन 3 से 4%, नाइट्रोजन 4 से 5% और फॉस्फोरस 0.4 से 0.6% तक होते हैं। ह्यूमस तथा अह्यूमस यानी नॉन ह्यूमिफाइड कार्बनिक पदार्थ में अंतर करने के लिए हाइड्रोजन परोक्साइड से उपचारित किया जाता है। 3% H2O2 यानी हाइड्रोजन परोक्साइड ह्यूमस को ऑक्सीकृत कर देता है तथा अविच्छेदित पदार्थ पर कोई असर नहीं होता है। ह्यूमस में 5 समूह पाए जाते हैं। तो पहला हो गया ह्यूमिन, फिर दूसरा हो गया एपोक्रेनिक अम्ल, फिर आ गया फोल्विक एसिड, फिर हिमेटो मेलेनिक अम्ल और ह्यूमिक अम्ल। तो यह प्रभाजीकरण यानी फ्रैक्शनेशन विभिन्न समूहों की विभिन्न विलायकों में विलेयता पर आधारित है। फ्रैक्शंस मतलब उनका, उनके कणों का टूटना, दूर दूर होना, प्रभाजीकरण, जिसे इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है। जब मृदा कार्बनिक पदार्थ को तनु अम्ल यानी कम सांद्रता वाला जो अम्ल होता है, तनु अम्ल को होता है, उसे उपचारित करते हैं तो अह्यूमिक पदार्थ जो होता है कम विच्छेदित होता है या अविच्छेदित पादप अवशेष होते हैं। ह्यूमिक पदार्थ के अंदर तनु क्षार से निस्सारित करते हैं तो क्षार में अविलेय प्रभाज यानी फ्रैक्शन ह्यूमि का निर्माण होता है और इसके बाद क्षार में विलेय प्रभाज यानी तनु अम्ल से उपचारित, फिर इसको क्षार में विलेय प्रभाज जो थे उनको तनु से अम्ल से उपचारित करते हैं तो फिर अम्ल में विलेय प्रभाज एपोक्रेनिक अम्ल का निर्माण होता है और अवक्षेप जल से उपचारित करते हैं। अवक्षेप यानी जो पदार्थ बच जाता है उसको जल से उपचारित करने पर जल विलेय प्रभाज यानी फोलिक एसिड का निर्माण होता है और जल अविलेय प्रभाज को उनको भी एल्कोल से उपचारित करते हैं। जल में घुलनशील है उनको एल्कोल से उपचारित करते हैं। अब जल में अविलेय प्रभाज जो थे यानी जो भाग थे बच गए थे उनको एल्कोल से उपचारित करते हैं। एल्कोहल से उपचारित करने के बाद जो एल्कोहल में विलेय प्रभाज जो थे वो हिमोटोमेन मेलेनिक अम्ल का निर्माण करते हैं और एल्कोहल में अविलेय प्रभाज जो होंगे वो ह्यूमिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये प्रभाज शुद्ध रासायनिक यौगिक नहीं होते हैं, यानी शुद्ध नहीं होते हैं,
बल्कि उन पदार्थों के मिश्रण होते हैं जो स्वरूप में कोलाइडी होते हैं। फिर आता है ह्यूमस का कोलाइडी संघटन, यानी कोलाइडल कंस्टिट्यूट ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस के कोलाइडी कणों का संघटन कले कणों के समान होता है, यानी ह्यूमस का जो पदार्थ है उनके जो पार्टिकल्स हैं वो कले के समान होते हैं। वो लिग्नोप्रोटीनेट्स और पॉलीयूरोनाइट्स तथा कले प्रोटीन संकीर्ण एक मिसाइल के समान कार्य करते हैं। कले क्रिस्टल की रचना सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, आयरन से होती है, किंतु ह्यूमस मिसाइल्स की रचना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर तथा फॉस्फोरस से होती है। ह्यूमस मिसाइल कले मिसाइल के समान द्विस्तरण घटना प्रदर्शित करती है। स्तरण के अंदर असंख्य ऋण विद्युत आवेश तथा बाहरी ओर असंख्य विनिमेय धनायन होती है, यानी एक्सचेंजेबल धनायन होती हैं। जैसे जैसे कि कैल्शियम, हाइड्रोजन है, मैग्नीशियम है, सोडियम और पोटेशियम, ये धनायन पाए जाते हैं। अतः ह्यूमस मिसाइल्स को कले के रचना सूत्र के समान निम्न प्रकार से प्रकट करते। अतः ह्यूमस मिसाइल्स को कले के रचना सूत्र के समान निम्न प्रकार से प्रकट करते हैं, यानी कैल्शियम कले जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर जो ह्यूमस मिसाइल्स होती हैं वो इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। इस सूत्र में हम कैल्शियम के अतिरिक्त समस्त धनायनों को प्रदर्शित करते हैं, यानी इसमें कैल्शियम को छोड़कर बाकी सारे इसके एम के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। फिर आता है कार्बनिक पदार्थों का मृदा गुणों में उर्वरता पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन सोइल प्रॉपर्टी एंड फर्टिलिटी। तो कार्बनिक पदार्थों का मृदा गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि मृदा में उचित ढंग से सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ काफी मात्रा में होता है तो वह मृदा के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों को प्रभावित करता है। जैसे कि ह्यूमस कार्बनिक पदार्थ का एक अंश है, इसलिए यहाँ कार्बनिक पदार्थ तथा ह्यूमस का मृदा के गुणों तथा उनकी उर्वरता पर प्रभाव अलग अलग वर्णन न करके एक साथ किया जा सकता है, यानी ह्यूमस का निर्माण भी कार्बनिक पदार्थों से होता है। तो ये दोनों जो ह्यूमस है वो कार्बनिक पदार्थ का ही अंश होता है, इस कारण इनको अलग अलग वर्णन न करके एक साथ वर्णन किया जा रहा है। तो पहला है इसमें भौतिक प्रभाव, फिजिकल इफेक्ट्स। तो मोटे कार्बनिक पदार्थ से मृदा पर गिरने वाली वर्षा की बूंदों का असर कम हो जाता है। तो मोटे कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनके अंदर मृदा पर अगर अंदर होती हैं तो वर्षा की जो बूंदें गिरती हैं तो उनका असर कम हो जाता है और मृदा में जल आसानी से रिस जाता है। इस प्रकार मृदा सतह से जल का बहाव तथा इसका कटाव कम हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी में जल की अधिक मात्रा पौधों की वृद्धि के लिए उपलब्धता बनी रहती है। फिजिकल इफेक्ट ये पड़ता है कि जैसे कार्बनिक पदार्थ होगा मृदा के अंदर वर्षा की जो बूंदें गिरेगी तो उससे तो जल है वो ऊपर की तरफ नहीं बहेगा बल्कि वह मिट्टी के अंदर अंदर प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि तो ऑर्गेनिक कार्बन जब होता है तो पोर स्पेस होते हैं वो उनकी संख्या भी बढ़ जाती है, साथ ही जो सोइल क्रस्टिंग है उसका निर्माण नहीं हो पाता है। जो पोर स्पेस है वो उसे सूक्ष्म जो पार्टिकल्स होते हैं या जो कले पार्टिकल्स होते हैं उनके द्वारा बंद नहीं होते हैं, तो यही कारण होता है। और साथ में ही जल का बहाव नहीं होके न ही मृदा का कटाव होता है। इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी में जल की जो अधिक मात्रा पौधों को वृद्धि के लिए उपलब्ध बनी रहती है। जैसे जैसे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है तो मृदा की जो जल धारण क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। फिर आता है भलीभांति सड़ा हुआ जीवांश पदार्थ जल संतृप्त वातावरण में 80 से 90% पानी अपने अंदर शोषित कर लेता है, यानी जो जीवांश पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो पूर्ण रूप से सड़ जाता है, यानी जिसका अपघटन पूर्ण रूप से हो जाता है तो वो क्या करते हैं 80 से 90% पानी को अपने अंदर शोषित कर लेता है तथा हिमस अपने बाहर से कई गुणा संरचना को सुधार कर जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। यानी हिमस जो होता है वो अपने बाहर से कई गुणा ज्यादा जल का अवशोषण करता है। ये अपन ने ऊपर वीडियो में पढ़ा था भी।
5 से 6% तक या 3 से 6% 6 गुना जल धारण क्षमता रखता। तो जब ये भूमि के अंदर होगा तो जल धारण क्षमता भूमि की बढ़ जाएगी। फिर आता है ह्यूमस मृदा की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है, यानी जो बफरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। इससे मृदा में अम्लता तथा क्षारता की वृद्धि रुक जाती है, यानी जब बफरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है भूमि के अंदर तो अम्लीयता और क्षारीयता का प्रभाव कम हो जाता है। छोटा तथा मोटा कार्बनिक पदार्थ मृदा सतह पर बिछे रहने से हवा द्वारा कटाव को कम करता है। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने पर चिपकने वाले संकीर्ण कार्बनिक पदार्थ पैदा हो जाते हैं, यानी जैसे जैसे कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है तो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो टूट जाते हैं और छोटे छोटे बारीक कणों के रूप में बढ़ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपस में चिपकने की जो क्रिया होती है वो हो जाती है और मृदा कणों को आपस में बांध कर बड़े कण समूह में बदलकर मृदा को रंध्रीय तथा दानेदार बना देते हैं। जैसे जैसे अपन देखते हैं क्ले पार्टिकल्स हैं वो आपस में, जैसे जल डाला अपने पाउडर के अंदर, वो आपस में चिपक जाते हैं और एक डेले का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार बालू मिट्टी के अंदर और पानी डालते हैं वो आपस में नहीं चिपक पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो चिपकने वाले जो कण होते हैं वो नहीं होते। अगर उनमें ऑर्गेनिक कार्बन अपन ऐड करते हैं तो चिपकने वाले जो संकीर्ण जो कार्बनिक पदार्थ पैदा होते हैं वो आपस में उनको बांधने का कार्य करते हैं और मृदा को दानेदार बनाते हैं। फिर आता है पौधे की जीवित जड़ों के गलन सड़न से नीचे की ओर दरारें बनती हैं, यानी जो पौधे की जड़ें होती है भूमि के अंदर तब उनकी मोटाई होती है, फिर वो जब गलती है तो उनकी जो जड़ थी वो गलने के बाद वहाँ पे क्या हो गया, पोर स्पेस जो बन गए उससे दरारें बनती है, जिससे पौधे की नवीन जड़ों का विकास अधिक आसानी से के साथ ठीक प्रकार से होता है। यानी जब वो स्पेस रह जाता है तो उसमें जो नए पौधे उगाते हैं तो उनकी जड़ों का प्रवेश आसानी से हो जाता है। इन्हीं दरारों से जल का संचारण नीचे की ओर होता है और इस जल का कुछ अंश पौधों के भविष्य के लिए संग्रहण हो जाता है। कार्बनिक पदार्थ मृदा की ऊपरी सतह पर मल्च के समान कार्य करता है, यानी आपने पढ़ा होगा कि मल्चिंग या जो कार्बनिक पदार्थ डालती है तो वो मल्चिंग का कार्य भी करती है। मल्च के रूप में कैसे करता है, वो भूमि के ऊपर एक परत का निर्माण भी करते हैं। और ऑर्गेनिक कार्बन आपने पढ़ा होगा जो अनडिस्टर्ब्ड सोइल होती है, यानी जिसमें कोई कभी जुताई नहीं की होती है, जो फॉरेस्ट लैंड है, ग्रास लैंड है, उनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर की अधिकता पाई जाती है। और मल्चिंग का कार्य करते हैं और मृदा के ताप को गर्मियों में कम तथा सर्दियों में मृदा को गर्म रखता है, जिससे पादप जड़ों की वृद्धि अच्छी प्रकार होती है। यानी जैसे जैसे ऑर्गेनिक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भूमि के अंदर बढ़ती है, भूमि के ऊपर बढ़ती है, तो वो मल्चिंग के रूप में कार्य करती है, जो इरोजन यानी मृदा अपरदन, जल अपरदन और जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट पड़ता है, तो सर्दियों के अंदर ठंड ज्यादा होने के कारण भूमि ठंडी हो जाती है, उसको भी ये गर्मी प्रदान करती है और गर्मियों के अंदर ताप को नियमित बनाए रखती है, यानी जो वातावरणीय तापमान होता है उससे भूमि का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये कार्बनिक पदार्थों का कार्य होता है। बलुई मिट्टी में ह्यूमस सुगठितता तथा सहसंजन आदि भौतिक गुणों को बढ़ाता है, यानी सहसंजन में मतलब आपस में जो कण चिपकते हैं उसके जो भौतिक गुण होते हैं उनको बढ़ा देता है। इसके विपरीत कले मृदा में इन गुणों को कम करता है। कले मृदा के अंदर भी इनका क्या हो जाता है, जब ह्यूमस का या ऑर्गेनिक जो कार्बन है उनकी जो मात्रा बढ़ती है तो वो कण जो है आपस में चिपकने की क्रिया भी कम हो जाती है, यानी जो कले पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा बारीक होते हैं, उनके अंदर अगर ऑर्गेनिक कार्बन मिला दिया जाता है तो वो उनके जो चिपकने की जो अधिक चिपकने की जो गुण है उसको कम कर देती है। तो कार्बनिक पदार्थ मिलाने से CEC यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ जाती है और मृदा में 1% कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर इसकी CEC 4.9 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम बढ़ जाती है।
तो ये हो गए आपके भौतिक इफेक्ट क्या पड़ता है, यानी ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों से भूमि पर क्या फिजिकल इफेक्ट पड़ती है, तो उसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो आज इस टॉपिक के अंदर इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में अपन केमिकल इफेक्ट्स और बायोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।